आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल से वेज बर्गर, जो नॉर्मली हम कुकिंग के टाइम घर में सामान वगैरह यूज़ करते हैं, जो हमारे किचन में नॉर्मली अवेलेबल ही रहता है, उसी को यूज़ करते हुए हम ये रेसिपी बनाएंगे। इसमें हमें ज़्यादा कुछ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है देसी स्टाइल वेज बर्गर। सबसे पहले हम वेज बर्गर की टिक्की बनाएंगे, तो यहाँ लिया मैंने ग्रेट किया हुआ गाजर, लौकी, दो आलू हैं जिसको ग्रेट कर लिया है, ये है बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, ये है प्याज और ये है शिमला मिर्च, इनको मैंने बारीक चॉप किया है, और ये है कॉलीफ्लावर और ये पत्ता गोभी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर आप अपने पसंद की दूसरी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो या फिर आपके घर में जो अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे बर्तन और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से कोई भी छलनी, इसके ऊपर लगा देंगे एक कपड़ा और जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल भी है, बच्चों को आप एक साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं इसी बहाने। और ये सब्जी हमने डाल दी है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से सब्जियों का मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और जब हम टिक्की बनाएंगे वो ज़्यादा गीली गीली नहीं बनेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए एक तरफ। सब्जियों को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है सारा रिलीज हो गया है। अब हम कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और इसको प्रेस करते हुए अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है सारा वो निकाल लेंगे। हमें पानी को बहुत अच्छे से प्रेस करके निकालना है ताकि टिक्की गिली ना बने। अब हम लेंगे एक बर्तन, उसके अंदर डाल देंगे ये सारी वेजिटेबल्स और आप देख सकते हैं ये कितनी ड्राई हो गई है, इसके अंदर का सारा पानी निकल चुका है। अब डालेंगे आधा कप जितना बेसन, एक टीस्पून जितना डालेंगे हम अजवाइन, एक टीस्पून डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ये 1/4 टीस्पून जितना हींग। अब डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरा प्याज और अब डालूंगी मैं इसके अंदर एक चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेशली क्रश किया हुआ भी अदरक और लहसुन डाल सकते हैं और ये है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, एक चम्मच डालेंगे चाट मसाला। यहाँ पे जो मसाला है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक डो के जैसा बना लेंगे इसको। ये तैयार हो गया है, अब आप इसमें नमक चेक करें, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स में नमक डाला था तो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चेक करके ऐड कर सकते हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा डो, जितनी आपको टिक्की बनानी है उसके हिसाब से डो लें और इस तरह से गोल गोल करते हुए टिक्की का शेप दे दें। सारी टिक्की इसी तरह तैयार कर लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा, तो टिक्की जो है उसको इस तरह से कोट कर लेंगे चावल के आटे में, इससे टिक्की क्रिस्पी भी बनेगी और ऑयल भी कम अब्सॉर्ब करेगी। यहाँ मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए और ऑयल गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें ऑयल को, नहीं तो टिक्की डालते ही जल जाएगी। एक एक करके टिक्की को डाल देंगे और गैस की आँच मीडियम रखेंगे। इसको हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं है टिक्की को, बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और बीच में एक बार इसको पलट लेंगे इस तरह से। ये हो गई है, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम बर्गर को असेंबल करेंगे, तो सबसे पहले जो बर्गर बन है उसको इस तरह से दो टुकड़ों में काट लेंगे। ये इसको हमने काट लिया है, अब एक बर्गर की तरफ हम लगाएंगे लाल चटनी, जो घर में लहसुन की चटनी या फिर टमाटर की चटनी होती है वो, और एक पर हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना की चटनी जो बनाते हैं वही। यहाँ पर हमने किसी तरह की मेयोनीज या दूसरी सीजनिंग वगैरह का यूज़ नहीं किया है, घर में जो नॉर्मली हमारे पास सामान रहता है वही यूज़ करके इसको बनाया है। अब रखेंगे टिक्की इसके ऊपर और रखेंगे चीज़ स्लाइस और इस पर डालेंगे थोड़ा ककड़ी, टमाटर और प्याज की स्लाइसेस, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर लगाएंगे ये दूसरा बन और तैयार है हमारा बर्गर। देसी स्टाइल का वेज बर्गर बनकर तैयार है और आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको बनाया, हमें ज़्यादा कुछ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे किचन का जो सामान है उसी को यूज़ करके हमने इसको बनाया है।
आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ट्राई करें इस रेसिपी को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियोज़ को लाइक करना और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें कांताज रेसिपी को और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।